तो अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ही एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक बहुत इफेक्टिव टेक्निक सीखने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्राफ को हम अपने नोन ग्राफ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑब्वियसली पहले ही मैं बता दूंगा कि ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन है उनके लिए काम करता है और 100% इसका एक्यूरेसी है, मतलब हर क्वेश्चन में काम करेगा उस टाइप के क्वेश्चन के लिए, राइट। और इसमें अप्रॉक्स आंसर मिलता है, मतलब 0.1 या 0.2 से वेरी करेगा, बाकी आंसर आपको हमेशा जैसा चाहिए वैसा ही ऑलमोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या करते हैं कि हम अपने जो ग्राफ गिवन ग्राफ है, पहले मैं जिस्ट बता देता हूँ, गिवन ग्राफ को वी कन्वर्ट दैट गिवन ग्राफ को अपने नोन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये पहला टेक्निक करते हैं। इसमें से अगर आप यहाँ पर देखोगे कि log 1 + x, ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट वो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने एक नोन ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि है एक्स, ठीक है। अभी अगर मैं, और ये भी नोन ग्राफ भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो हमें वो आराम से मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है ये याद रखना कि इसमें हम जो चीज़ कन्वर्ट करते हैं इसको हम पहले निकाल लेंगे। मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले गिवन ग्राफ को नॉन ग्राफ में कन्वर्ट करो, ठीक है। नॉन ग्राफ में कन्वर्ट किया एक्स में, और वो ग्राफ ऐसे सेलेक्ट करो कि जो आपको हेल्प करे, ठीक है। तो अब मैंने इसको ग्राफ को वो किया तो 0 to 1, 8 बाहर आ जाएगा, x/(1+x²) dx, ओके। और उसके बाद क्या था कि इसको करेंगे तो सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी log 2/2, log 2। ये तो हो ही जाएगा क्योंकि 1+x² को t पुट करोगे, बता ही देता हूँ, इक्वल्स टू t, 2x dx = dt हो जाएगा, राइट। यहाँ पर x dx की जगह dt पुट कर देंगे, /2 नीचे आ जाएगा, इसके जगह 1/t लेंगे, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, न्यू लिमिट जो हो जाएगी, लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो 0 रखने पे 1 हो जाएगी, हायर लिमिट जो हो जाएगी 1 रखने पे 2 हो जाएगी, राइट। सो 1/t dt टाइप आ जाएगा, log 2 log 2 - log 1, सो ये आंसर आ गया /2, सो 4 log 2। ये हमारा न्यू ग्राफ की वजह से आया, बट ऑब्वियस है इस ग्राफ से जब इस ग्राफ में कन्वर्जन हुआ होगा तो एरिया वाइज कुछ चेंज हुआ होगा, एरिया चेंज हुआ होगा, और वो एरिया चेंज हमें जो दो ग्राफ्स होते हैं और उनका जो लिमिट होता है उससे निकालते हैं। 0 to 1 log 1+x dx करेंगे तो इसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली, ऑब्वियसली एग्जैक्टली नहीं, 0.35 के आसपास आ जाएगा। और 0 to 1 x dx, क्योंकि इसको हमने x में चेंज किया है, x dx निकालेंगे तो इसका जो एरिया आएगा विल बी 0.5, अराउंड 0.50, राइट। सो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो ये जो है इसका 70%, दिस एरिया, इस एरिया का 70% है, राइट। देख सकते हैं ना, ये अगर इसको डबल करोगे ये 0.7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 का 0.7 कितना हो, 70%। तो हम ये एरिया को फिर से 70% में कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हमने ज़्यादा निकाल रखा है, हमने 0.5 के लिए निकाला है, हमें चाहिए 0.35 यानी कि 0.70। तो हम इस आंसर को अपना 0.7 से, अप्रॉक्सीमेटली 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 log 2 * 0.7, तो हमारा आ जाएगा 2.8 log 2। अब हम यहाँ पर ये आंसर हमारा जो था मेन आना चाहिए वो ये था। अब हम अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे कौन सा हमें आंसर दे रहा है, पॉइंट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये है 3.14 log 2, विच इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट, दैट्स आर आंसर। मैंने पहले बोला था आंसर जो होगा आपका थोड़ा सा डिफर करेगा 0.1 0.2 0.3 से। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ। गिवन ग्राफ को नोन ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ओके। गिवन ग्राफ को नोन ग्राफ में कन्वर्ट करना है, नोन ग्राफ का आंसर निकाल लेना है, गिवन ग्राफ और नोन ग्राफ का जो फिक्स लिमिट है, लिमिट यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, जो होगा उसमें एरिया का वेरिएशन देखना है, और वही एरिया वेरिएशन लास्ट में आंसर में इंप्लीमेंट कर देना है, राइट। तो हमने गिवन जो नोन ग्राफ, क्योंकि नोन ग्राफ ईजी था मेरे लिए, मैंने उसको कन्वर्ट किया, मैंने देखा अरे भाई 4 log 2 आ गया मेरा, बट ऑब्वियस है ये तो इसके लिए आया ना, अभी log 1 + x के लिए जो एरिया होना चाहिए था वो 0.7 होना चाहिए था, हमने निकाल लिया है 0.5 के लिए, तो यानी कि हमने ज्यादा निकाला है पर हमें चाहिए 0.7 का, तो हमें 0.7 से उसको एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
राइट right. या फिर दूसरा कर लो, एरिया ऑफ गिवन ग्राफ अपॉन एरिया ऑफ नोन ग्राफ का जो रेशियो है 0.7:1 है, ठीक है, ये एरिया हमने निकाल दिया, ठीक है, ये निकालना है, राइट, 0.7 निकाल दिया ना, ये 0.7 है और ये था हमारा 1, या फिर 0.35 या 5.5 भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.35 अपॉन 0.5, दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए के की वैल्यू हमने निकाली है नोन ग्राफ की 4 log 2, यहाँ से हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ गिवन ग्राफ, आंसर आ गया हमारा, राइट। देखो कितना इजी था ये टेक्निक, मतलब इसके लिए ये मतलब डिफिनेट इंटीग्रेशन का कैसा भी क्वेश्चन होगा अंडर द सन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो ये और भी क्वेश्चन कुछ करते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ओके मान लो ये ग्राफ था, अब साइन एक्स है, साइन एक्स को हम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, साइन एक्स एक्स में करेंगे, तो साइन एक्स का एक चीज़ है, साइन एक्स को पहले गिवन में कन्वर्ट किया, तो ये हमने गिवन में किया 0 to 1 एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, राइट। ये और फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स, राइट। ये साइन एक्स को हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया गिवन में, ऑब्वियस है यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे इजी हम जिसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको किया एक्स पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2, सॉरी 1 प्लस, एक्स पावर एन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है ना इंटीग्रेशन, एंड हायर लोअर लिमिट रख देंगे, हायर लोअर लिमिट रख दिया, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 1 की पावर 3/2, दैट इज 1 अपॉन 3/2, राइट। तो ये सिंपल हमारा आंसर आ गया है, फिर 2/3 बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अप्रॉक्सीमेटली क्या मतलब, एन एन प्लस 1/2 था, सो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लेंगे, इसी के आसपास आएगा। अब ऑब्वियस है, तो गिवन के लिए आप एरिया वाइज निकालेंगे, 0 to 1 साइन एक्स डी एक्स एंड 0 to 1 एक्स डी एक्स, इसका एरिया आ जाएगा अराउंड x² / 2 0 to 1, और इसका आ जाएगा कॉस एक्स 0 to 1, ओके सॉरी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से अराउंड 0.4 आ जाएगा और ये यहाँ से 0.5 आ जाएगा, दोनों नियरली हैं, ठीक है, बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, 80% चेंज होगा एरिया में, यानी कि हमने निकाला है इसके लिए एरिया हमारा इसका, तो अगर 100 इसको इसको 100% बोलेंगे तो 80% हो जाएगा, तो ये 80% हम 0.8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। आपको समझ में आ गया, फिर से अगर देखना है तो एरिया ऑफ गिवन वन अपॉन एरिया ऑफ नोन वन इज इक्वल टू, गिवन वन का कितना निकाला 0.4, नोन वन का 0.5, नोन का हमने निकाल लिया 2/3, तो ये आंसर 2/3, राइट। सो ये आंसर हमारा 2/3, और गिवन का निकाल लेंगे यहाँ से, सिंपल यही करके हम हर बार आंसर निकाल लेते हैं, ये बहुत क्लियरली मतलब ये बहुत ही औसम टेक्निक है, राइट। आप हेल्प आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, अगेन हमारा मेन मोटो जो रहता है क्वेश्चन बनाने का वो यही रहता है कि सच दैट यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन एनी थिंग अंडर द सन, नॉट अ सिंगल बुक यू विल लाई ऑन कि नहीं भाई इस बुक से करना है, इस बुक से करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऑब्वियस है ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन के लिए है, एक स्पेसिफिक ट्रिक है एक सेगमेंट के लिए है, ये सारे डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं होगा, बट ये वन ऑफ देम है। तो अभी हम धीरे धीरे आगे भी वो सब क्वेश्चन सारे डिफरेंट इंटीग्रेशन के आपको बता देंगे, क्योंकि डिफिनेट इंटीग्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसमें हर साल क्वेश्चन आता ही आता है और घुमा घुमा के आता है, तो आपको अगर थोड़ा नॉलेज रहेगा तो यू विल गेट आंसर इजिली, ओके। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो अप्रॉक्स क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा, बट या चार ऑप्शन देखो, अगर डिफरेंस है उसमें तो इंप्लीमेंट करो और एरिया कन्वर्ट करो और आराम से अपने आंसर निकालो, ओके ओके तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली दोनों का एरिया सेम ही था, तो अगर 80% नहीं भी लेना था, अगर आपको 2/3 के आसपास आंसर मिला था तो वहीं से सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बच्चे फर्जी में बहुत परेशान रहते हैं, क्या करना है, ये फंक्शन है ये है, तो याद रखना लॉगरिथमिक जैसे हो गया, कभी आपको हो गया साइन का कर्व हो गया, ई टू द पावर एक्स का कर्व हो गया, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी होगा, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, किसी कोई भी हो गया, तो उसको हम अपने नोन में कन्वर्ट कर देंगे और एरिया वाइज हम चेक कर लेंगे, राइट। बट अगेन ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन के लिए, सबके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो बहुत अवेयर होकर उसको सीखना है, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे हम लोग बाकी सबके लिए भी बताएंगे, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अभी, और कुछ फर्दर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ए को फ्रीडम दिया हुआ है कुछ भी सेलेक्ट करने का, तो ए की सबसे वैल्यू इजी वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर जो होगा -π/2π cos² x अपॉन 2 dx में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऐसे ही करेंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो -π/2π
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसा ग्राफ जो होता है किसी के लिए भी हो, ऐसा साइन के लिए हो या कॉस के लिए हो, इस पूरे ग्राफ का जो एरिया होता है वो जनरली टू होता है। ओके, और अगर वो स्क्वायर में चेंज हो गया वही एरिया, लेट्स अज्यूम साइन एक्स था, साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई, हमें पता है साइन एक्स जीरो टू पाई ऐसा होगा, इसका ऑलमोस्ट जो एरिया आएगा वो टू आएगा। अगर यही चीज स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स ये जो होगा वो पाई बाई टू हो जाता है, राइट। यानी कि एरिया जो है साइन स्क्वायर एक्स कुछ ऐसा करके ग्राफ होगा अंदर ऐसे ऐसे करके कुछ, राइट। तो ये जो एरिया होगा वो पाई बाई टू हो जाता है। तो हम इजिली इसको सॉल्व करने के बजाय क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सेम कॉस स्क्वायर के लिए होता है। तो पहले तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ये मेन मेजर क्वेश्चन आया तो हमने पहले क्या किया, इसको पहले मैं रब कर देता हूँ सारी चीज़ें। वैसे तो इजी है कॉस स्क्वायर एक्स को कर लेंगे, बट मैं इन केस बता रहा हूँ जहाँ पर आपको कभी कन्वर्ट करना पड़े, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। अभी नोन वाला मैं लेता हूँ वन बाई टू, राइट। पहले तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो लाइक इसको हम ब्रेक कर देते हैं, पहले फर्दर इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, टू ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स में, ये माइनस पाई टू पाई था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस पाई बाई टू टू, यानी कि सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, इतना वाला पार्ट, बाकी जो पार्ट था उसको मैंने हटा दिया, राइट। तो वो ट्वाइस ट्वाइस ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ट्वाइस काम कर दिया तो टू टू चला गया। अब ये मेरे पास फाइनल ग्राफ आया है, माइनस पाई टू पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका निकालना है, बट मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कॉस एक्स में डी एक्स में, ठीक है। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट। सो एक्चुअली यहाँ से सॉल्व भी नहीं करना है, ये तो हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है कि अगर इसके अंदर का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर जो होगा पाई बाई टू हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हैं कि दैट विल बी पाई बाई टू, तो ये आंसर आ गया। बट इन केस अगर ये निकालना होता तो सेम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू टू होती, तो एरिया वाइज आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे। एक्चुअली दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्वेश्चन टू गिव सच सिनेरियोस, बट स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर को, ट्रिग स्क्वायर फंक्शन को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ऑब्वियसली ओनली फॉर साइन कॉस बिकॉज दोनों का नेचर सेम होता है, हम आराम से निकाल लेते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एक नई चीज़ सीखी, हाउ टू कन्वर्ट योर ग्राफ्स, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, एरिया मैनिपुलेशन एंड गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, ऑब्वियसली अभी नई है, आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो बस 5-7 क्वेश्चन उठाओ किसी भी बुक से और उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए, कैसा भी चाहिए, हमारे मेल आईडी पे आप लिखो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, कि और टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियो लेक्चर्स, कुछ भी, तो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो हमारा तो मेन मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, बट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सो हम लोग उतना ज़्यादा पब्लिश नहीं कर सकते। वी वांट कि हर दिन ही पब्लिश करें, बट एवरीवन इज सो इन्वॉल्व इन दीज डेज कि नहीं हो पता हमसे, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही न्यू ट्रिक्स के साथ आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकें, राइट। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर देखो, आपको सब कुछ मिलेगा, राइट। सो ओके, चलो ये लिख लेंगे सारी चीज़ें, इसको नोट बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट, ओके।